نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين

इंडिपेंडेंटली कहा जाते हैं कि ये बर्ड के सेपरेट लिखे जाते हैं ये यूजुअली इन बर्ड के शुरू में लिखे जाते हैं अगर हम ये जान लेंगे तो हमारे लिए कुरान को समझना बहुत आसान हो जाएगा जैसे आप लोग बहुत फेमिलियर हो गए होंगे अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ तो अब ये इंडिपेंड वो डिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं इसको भी हम एक नजर देख लेते हैं ठीक है अच्छा देखिए जब मैंने अपने लिए बात करनी हो तो फर्स्ट पर्सन जिसको कहा जाता है तो अना जिसका मतलब है मैं नहनु हम सेकंड पर्सन यानी के तुम तो आंता तुम एक मर्द आंती तुम एक औरत आंग तुम तुम सब ठीक है फिर थर्ड पर्सन के लिए जो गईब जो गैब है यहाँ से गरीब है ठीक है वो यहाँ मौजूद नहीं तो उनके लिए आएगा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही हुआ वो एक मर्द ही या वो एक औरत यानी कि शी हम वो सब यानी कि दे तो उम्मीद है कि यह आपको बहुत हेल्प करेगा अब हम अपना कुरान की तरफ चलते हैं कुरान की तफसीर के लिए आई मीन वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के साथ let's ठीक है ये हम लोग फोर्थ रुकू शुरू करेंगे आयत नंबर थर्टी एथ और इस जब कहा या फरमाया रब्बू रब ने का आपके ली लिए अल मलाइकती फरिश्तों से लेल मलाइकती फरिश्तों से इन्नी बेशक मैं इन ये दो शब्द से हम पहले बता चुके इन्ना बेशक नी मैं तो नून गिर गया तो इन्नी बेशक मैं जा एलुन बनाने वाला हूँ ये इसमें फाइल है कोई काम करने वाला बनाने वाला हूँ फी मै अलअी जमीन खलीफा तन खलीफा जानू उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा फरिश्तों ने कहा देखिए काला सिंगुलर था यानी कि अल्लाह काला का मतलब होता है या इसके रूट लेटर्स हैं काफ बाउला कालू की भी रूट लेटर्स वो ही है लेकिन कॉलू इज अ प्लूरल उन्होंने कहा यानी फरिश्तों ने कहा आ क्या ता जालू बनाने बनाएगा अतज आलू क्या तू बनाएगा फीहा इसमें मंग जो युफ सीधु फसफा सीन दाल फसाद करेगा फी में हा इस यानी जमीन में वा और वयस फीकू और वो बहाएगा सीन फा का बहाना दिमा दाल खून वो वो वा और नहनू, वा और सॉरी हालांकि नहनू हम देखिए यहाँ पर डिटेच प्रोनाउन आ गया इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ गया नहनू, नू सब बीहू यहाँ पर देखिये नून के ऊपर जो दम्मा है ये अटैच प्रोनाउन है यहाँ पर फिर बताए जा रहे है, हम नू हम सब बीहू तस्बी करते हैं सीन बाहा हम तस्बीह करते हैं देखिए कितनी अच्छी एग्जाम्पल है प्रोनाउन या इंडिपेंडेंट प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन के बी सात हम दी हम हम्द के का तेरी यानी कि हम हम पहले भी बता चुके हैं कि किसके लिए आते हैं वो ऐसी तारीफ जिसमें जीम भी हो और जिसमें मोहब्बत भी हो और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की की जाती है हमने फातिहा में ये सब पढ़ कर रहे और हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरी तस्वीर करते हैं वाह नो कदसो देखे फिर नू ना आ गया हम कदसो बयान करते हैं काफ दाल सीन दूस पाकिजा वो भी इसी से ला का लका आपकी या ला लिए का तेरे वास्ते तेरे कौला फरमाया किसने फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी बेशक में आलमू मैं जानता हूँ जो है अलिफ के हमजा के ऊपर फतह है इसका मतलब है मैं इल्म इसी से आइन लाम मीम जानना इन रखना आ मैं आलमु मैं जानता हूं मां जो ला नहीं तालमुन ता तुम अलमु अल अलमुन या तालमुन तुम इल रखते क्या फरमाया कि व और वा इस काला रब्बु का लिल मलाइकती और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से इन्नी जाएलुन फिल अरुदी खलीफा के बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना जानशीन कालू उन्होंने कहा अतज आलू क्या तू बनाएगा फीहा इसमें मयूफ सिद्धू जो फसाद करे फीहा इसमें वीमा और बहाएगा खून व नानू हालांकि हम नुसब बिहु हम तस्बी करते हैं बिहामदी का साथ तारीफ तेरी के मनुकदिसो और हम पाकि बयान करते हैं लका वास्ते तेरे कौला फरमाया इन्नी बेशक मैं आलम मैं जानता हूँ माला तालमू जो तुम नहीं जानते जो तुम इल नहीं रखते वा, वा और अल्लामा सिखा दिए उसने किसने सिखा दिए सिखा दिया, दिया। अल्लाह ताला ने सिखा दिया सिखा दिए उसने में अंदर ही जो है ना मतलब फेल किसने किया वो अल्लामा के अंदर ही है यानी के अल्लाह ताला ने और सिखा दिए उसने आदमा आदम को अ, तो। अस्मा अल अस्मा आ, ये क्या है अलिफ सीन मीम इसके रूट लेटर्स हैं इसम क्या होते हैं इसम नाम को कहते हैं अस्मा प्लुरल है अर्थ तमाम नाम ठीक है अस्मा प्लुरल ऑफ इसम कुल्ला तमाम के तमाम हां सारे उसके चीज ठीक है सुम्मा फिर औरदा अइन र दद अर्ज करना पेश करना ठीक है आराधा हुम आराधा पेश किया हुम उनको किन को उन नामों को अलल मलाइकाती हजरत आदम को पेश किया उनको अलल मलाइकाती अल्लाह ऊपर या सामने मलाइकाती फरिश्तों के फा फिर काला फरमाया आ क्या आम नून बा रूट लेटर्स हैं नबा खबर देना बताना बी ऊ नी मुझे आम बी ऊनी देखिये ये भी वही आ गया ना अपना प्रोनाउन आम बी ऊनी बताओ मुझको बी असमा नाम हाउला ई इनके कि ये इस इशारा होता है किसकी तरफ इशारा है यानी कि नाम जो जो नाम सिखा दिया अल्लाह ताला ने इन अगर कुंतुम हो तुम स्वादिकीन सच्चे स्वाद दाल काफ़ इसके रुलेटर्स हैं सदा सादे कुन सच बोलने वाला सादोका सच कहा स्वादिकीन उन सब ने अगर तुम सच्चे हो ठीक है क्या मतलब कि और और सिखा उसने आदम को नाम सारे के सारे। फिर पेश किया उनको ऊपर फरिश्तों के फकाला फिर फरमाया मुझे बताओ बेअस्मा नाम हा ला इन चीजों के इन कौन तुम स्वाद अगर तुम हो सच्चे कालू उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा फरिश्तों ने सुबहाना पाक है का आप यानी कि अल्लाह ताला पाक है तू ला नहीं इल्म कोई इल्म ला लिए ना हमारे यानी हमारे लिए कोई नहीं इल्ला मगर माँ जो अलमता सिखाया तूने ना हमको देखिये ना फिर कोई आ गया देखिए एक वर्ड में तीन बातों के सिखाया तूने हमको ठीक है ए ना बेशक का आप अंकता तू ही है या आप ही है ये, ये क्या है अभी जो हमने पढ़ा इनडिपेंडेंट आलिम खूब जानने वाला अल हकीम बड़ी क्या कहा फरिश्तों ने पा नहीं है कोई इल्म हमें। इल्ला मगर माजना जो सिखाया तू ने हमको इन न का बेशमकम आप, आप ही हैं बहुत इन वाले बड़ी हमत वाले कला फरमाया किसने फरमाया अल्लाह ताला ने या आदम ए आदम जब या का वर्ड आते है तो ये जो बन प्रेजेंट होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है यानी कि या ओ या आदम ए आदम अम बी हम अम बी खबर बता दो हम इनको किनको फरिश्तों को बी ना उनके बी अस्माई नाम हिम उनके यानी के चीजों के वापस फिर लम्मा जब अम्बाहुम उसने बता दिए उनको किसने बता दी हजरत आदम ने फरिश्तों को नाम बता दिए बी असमाहिम नाम उनके कौला फरमाया किसने फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया आ क्या लम नहीं अलम क्या नहीं अकुल आ मैं कुल कहा था अलम अकुल क्या नहीं मैंने कहा था लालिए कुम तुम्हें लकुम तुम्हारे लिए इन नी के बेशक मैं अलमू मैं जानता हूँ वैभव वहीब असमावाती आसमानों के वल आवधि और ज़मीन के व और मैं जानता हूँ मां जो तुम बिना तुम जाहिर करती हो व मां और जो कुछ कुन तुम हो तुम तक तो मुन यानी तुम बिना का क्या रूट लेटर्स होंगे ब दाल वाव जाहिर करना ठीक है जो कुछ भी तुम जाहिर करती हो व और मां जो कुन तुम हो तुम तक तो मुन इसका क्या रूट लेटर्स है काफ ता मीम तुम छुपाते हो क्या मतलब दोबारा पढ़ते है कॉला या आदमो अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम अम बेहम बता दो इन फरिश्तों को बेअसमािम नाम उनके फलम्मा फिर जब अम बह उसने बता दिए उनको भी असमा अहम नाम उनके कला फरमाया क्या नहीं अकुल मैंने कहा था लकुम तुम्हारे लिए इन्नी के बेशक में आलमु मैं जानता हूँ गई बस समावाति वल अर्द गैब आसमानों और जमीन में जमीन का व आलम और मैं जानता हूँ माँ जो तुब धूना तुम जाहिर करते हो वह माँ और जो कुछ कौन हो तुम तख तुम तुम छुपाते वह और इस जब कुल ना कहा कुल कहा ना हमने यानी कि अल्लाह ताला ने लिल लिए फरिश्तों से उस जोदू सजदा करो जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम इस्लाम आज़ब हजरत फरमाया किनको फरिश्तों को कहा कि हुक्म दिया कि सजदा करो ली लिए आदमा आदम को फसा फाप तो सजादू व सजादू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला मगर इबलीसा इबलीस के अबा उसने इनकार किया वस तक और तकबर किया बड़ा बनना चाहा काफ बा रा इसके रूट लेटर्स हैं किबरियाई के केबर, मुतकबर ये सब इसी के उसमें से आते हैं वकाना व और काना हो गया मिन से काफिरीन काफिरों के क्या फरमाया अल्लाह ताला ने और जब अल्लाह ताला ने जब कहा हमने फरिश्तों से सजदा करो आदली आदमा आदम को फसा जादू तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के अबा उसने इनकार किया वस्तक बरा और बड़ा बनना चाहा वकाना काना मेरा और हो गया वो काफिरों में से वह और पुलना कहा हमने या आदमो ए आदम उस कुन रहो तुम सा सीन काफ नून सकन सुकून ये सब इसी से है रहना सुकून इख्तियार करना सकाना ठिकाना जो भी रहने की जगह होती है अंता तुम फिर देखें वही रूट डिटैच प्रोनाउन वा और जऊजा देवी का आपकी या तुम्हारी अल जन्नता जन्नत में वा और कुला खाओ तुम दोनों हमें कैसे पता चला कि तुम दोनों की बात हुई है देखें अरबी आई मीन इंग्लिश में और उर्दू में अगर हम काउंटिंग पे जाए तादाद में जाए तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता right? है राइट वाहिद होता है या जमा होता है बट अरबिक लैंग्वेज में ताद तीन होती है सिंगुलर वाहिद फिर तस्निया जिसका मतलब दो और फिर दो से ज्यादा जमा ठीक है जमा, जब जब अल्लाह आ जाता है ना तो उसको कैसे पता चले तस्निया है कि अलिफ का जब लग जाता है लाभ या दो भी जो भी आखिर में अल, खड़, अलिफ आ जाए तो उसको उसका मतलब होता है दोनों मुरादें तस्निया का सिवा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने कहा ए आदम तुम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में वकुला और खाओ तुम दोनों मिन्हा उसमें से रोगदन खौफ बेखौफ होकर या जी भर के हाइसु जहां से शिक्तु मां चाहो तुम शिक्तु चाहो तुम तुम माँ तुम दोनों फिर आगे ना अलिफ तो ये सीगा है दोनों का वला और ना तकोरबा कौफ रा करीब अब यहाँ पे आए क्या बा तकुरा कर तुम करीब जाना बा करीब तकुरबा करीब जाना तुम दोनों हाजही इस अशरता दरख्त के फा वरना तुम दोनों हो जाओगे मीना मीन से मीन में। या आदम कर जन्नता और कहा हमने ए आदम तुम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में वकुला और तुम दोनों खाओ मिन्हा उसमें से जी भर के हई सुहा

फिर फुसला दिया हुमा उन दोनों को जन्नत से फुसला दिया उन दोनों को उससे हुमा उस दरख्त से हुमा फिर अख निकलवा दिया हुमा उन दोनों को मिम्मा उसने से जो काना थे वो दोनों फी ही जिसमें वकुल ना और कहा हमने एह बेतू उतर जाओ हाँ बादू, बादू कुम, बाज कुम तुम्हारे ली लिए बादिन बाज के अदुव दुश्मन है अदावत अदुवत अदु दुश्मनी ठीक है आइन दाल वा। वा और नकुम तुम्हारे लिए फिल और जमीन में मुस्तकरुन करार, करार पकड़ना ठिकाना है व मता मता फायदा हम कहते हैं ना मालूम मता मताउन और फायदा उठाना है इलाहीन एक वक्त मुकर तक फते फा पर फिर पस फिर सीख लिए आदमो आदम ने मिन से रबी ही रब से अपने कली मातन कुछ कलमे कलमे कलम कलमा एक कलम कली मातिन फा फिर ताबा ता वा वा इसके लेटर्स हैं तो आप इसी से है फताबा फिर मेहरबान वाह अल उस पर इनहु बेशक इनना बेशक हुआ वो कौन अल्लाह ताला हुआ लेकिन फिर यहीं पर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हुआ वो ही है अत तवाबु तो जो तौबा कबूल करने वाला है अर रहीम जो बार-बार रहम करने वाला है तो यहाँ पे कोल्ना कहा हमने ए बेतु उतर जाओ मिन हा अच्छा देखिए यहाँ पर ए बेतु है। उतर जाओ सब के सब कौन कौन हजरत हव्वा और शैतान और हज़त आदम और सब हमारे माँ बाप ठीक है मिनह इसमें से जमी अन सब के सब फ इम फिर फिर इम्मा अगर य आ जाए कुम तुम्हारे पास मिन्नी मेरी तरफ से हुदन कोई हिदायत फा पस मन जिसने तब आबा की पैरवी की हुदा हिदायत की या मेरी फा पस ला नहीं खौफुन कोई खौफ अलई हिम अलई ऊपर हिम उनके वाह और ला नहीं हम वो यह जनून गमगीन होंगे वाह और अल्लाजीना जो लोग कफर जिन्होंने कुफ किया वकज़बू और उन्होंने झुठलाया भी आयातिना हमारी आयतों को उलाइका यही लोग हैं अस्हाबन रहने वाले साथी अस्हाब साथी अन्नारी आके म वो फीहा देखिए फिर वो आगे मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज बैठ जाए कि या होम यहाँ पर वो फिर इंडिपेंडेंट होना उसमें हमेशा रहने वाले हैं तो क्या हमने पढ़ा कि फिर जब अल्लाह ताला ने अः से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कल में फिर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ उस पर और बेशक वो वो ही है जो तोबा कबूल करने वाला बार बार रहम करने वाला है कुल नाह बेतु तो कहा हमने कुल नाह बेतु कहा हमने ए बेतु उतर जो अब मैं ना इसमें से कहां से जन्नत में से जमियान सबके सब व सब, इम्मा फिर अगर यन्ना आ जाए कुम तुम्हारे पास मिन्नी मेरी तरफ से खुदन कोई हिदायत मन तो जिसने ने तब पैरवी की हुदाया मेरी हिदायत की फला तो नहीं होगा खौफन कोई खौफ उन पर वला हम और ना ही वो गमगीन होंगे अवलिन कफारू और जिन लोगों ने कुफ किया वह कल जबू और जुटलाया भी आयात ना हमारी आयतों को उला का यही लोग हैं अबनार साथी आके हम फिया खालिदून हम वो फिया उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं अल्लाह हमें इन 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 चार रुकों से बेहतरीन अमल करने वाला बना दे इनसे जो भी हमने लेसन सीखे अल्लाह ताला लिए आसानियाँ फरमाए और हमें इन पर अमल करने वाला बनाए आमीन आमीन आज हम अपना सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं सुबह रबी का रबत मरसिन वहमदिल्ला रबालमीन रबना तकबल मन्ना कन तमीम बतुबाल इन कं तबाबल रहीम آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته